नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक चर समाचार से। इस वक्त मैं जम्मू अखनूर हाईवे पे हूं। यहां पर 4 लेन का काम लगा हुआ है और लंबे समय से काम लगा है। अब तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ तस्वीरें आप हमारे आगे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी हालात ख़राब हैं। काम अभी भी लगा हुआ है और इसे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये काम जल्दी समाप्त होने वाला है। इस काम की वजह से हम आपको बताएं, इस काम की वजह से रोड के ऊपर, क्योंकि रोड की व्यवस्था है नहीं, छोटा सा थोड़ा सा रोड है, ये देखें आप गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से, तो ये भी ख़राब रोड है, धूल ही धूल, मिट्टी मिट्टी, और इसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी होती है और यहाँ पर लंबा जाम भी लग जाता है। अगर गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हो जाएं तो यहाँ पर लंबा जाम भी लगा रहता है। और इसको करना तो समय वध जो समय निर्धारित किया गया था उस समय के अंदर करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है और इससे लोग परेशान हैं। लेकिन हमारे जो डिविज़नल कमिश्नर हैं राघव लंगर जी, वो इस कार्य को देखते हुए थोड़ा सख्त हैं। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा मामला, डिपकॉम ने क्या निर्देश जारी किए हैं इन लोगों के लिए, बताएंगे विस्तार से। जम्मू अखनूर हाईवे परियोजना पर काम की गति की बारीकी से निगरानी कर रहे मंडलायुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने ठेकेदार कंपनियों को वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने जम्मू अखनूर रोड परियोजना पर सहमत लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने और काम की खराब प्रगति के लिए मैसर्स तरमत लिमिटेड ईपीसी ठेकेदारों को प्राधिकरण की नकारात्मक सूची में डाल दिया है। उपराज्यपाल के कार्यालय के निर्देश अनुसार सभी विकास परियोजनाओं में तेजी लाने की ज़रूरत है और धूल मूल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार अनुबद्ध समझौते में प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्वों के प्रति ईपीसी ठेकेदार के गैर पेशेवर रवैये और सहमत लक्ष्यों को पूरा करने में विफल और काम की निरंतर दर्दनाक धीमी प्रगति को देखते हुए NHIDCL द्वारा मैसर्स तरमत लिमिटेड को इस आदेश के जरिए होने की तारीख में 1 वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकरण की नकारात्मक सूची में रखा जाता है। अनुबद्ध समझौते के अनुसार परियोजना को 23 मार्च 2020 तक MS-1 यानी 10%, 22 सितंबर 2020 MS-2 यानी के 35%, 23 मार्च 2021 MS-3 यानी के 70% और 11 जुलाई 2021 यानी के 100% तक ये काम पूरा किया जाना था। हालांकि ईपीसी ठेकेदारों ने सभी धात्मक शर्तों की पूर्ण अवहेलना करते हुए 27 सात 2021 को केवल 30.73% वित्तीय प्रगति हासिल की है और पूरे कारणों, चूकों और उल्लंघनों के कारण अनुसूचित पुराणता हासिल करने में विफल रहा है और जो पूरी तरह से ईपीसी ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही वांछित प्रगति को पूरा करने के लिए पर्याप्त संस्थान, जनशक्ति, सामग्री, मशीनरी और संयंत्र और उपकरण आदि जुटाने में विफल रहा है। ईपीसी ठेकेदार निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने में विफल रहा है। उपराज्यपाल के कार्यालय के निर्देश पर मंडलायुक्त जम्मू डॉक्टर राघव लंगर ने नियमित रूप से कार्य की प्रगति की समीक्षा की और कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए 6 जून 2021 को साइट का दौरा भी किया। उन्होंने प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए ठेकेदारों को कार्य की गति में तेजी लाने और कार्य की निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। मंडलायुक्त ने
मौजूदा सड़क की खराब स्थिति पर भी कड़ा संज्ञान लिया और ठेकेदारों को मौजूदा सड़क को बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। मंडलायुक्त ने ठेकेदारों को कार्य प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए और NHIDCL को खराब प्रदर्शन के मामलों में ठेकेदारों पर उचित कार्रवाई करने के लिए भी कहा। इसके अलावा धीमी प्रगति और खराब गुणवत्ता वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए NHIDCL ने प्राधिकरण को नकारात्मक सूची में रखने के लिए EPC को कई शोकेस नोटिस भी जारी किए। ठेकेदारों के जवाब प्रशासन को संतुष्ट नहीं कर पाए। ये कार्य 11 जुलाई 2021 तक समाप्त हो जाना चाहिए था और अब अगस्त का महीना जो है वो शुरू हो गया है और आप देखेंगे यहाँ पर काम तो अभी लग नहीं रहा है कि ये कोई एक महीने में समाप्त होने वाला है, चार महीने में समाप्त होने वाला है या एक साल में समाप्त होने वाला है, ऐसा नहीं लगता है। काम देखकर आपको लगेगा अभी ये काम लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे धारा 370 से पहले यहाँ जब एक बार काम शुरू हो जाता था तो फिर वो 10 साल 20 साल 30 साल काम चलता ही रहता था और ऐसा लगता था कि इन ठेकेदारों या कंपनी वालों को पता लग गया कि पैसा निकलवाते कैसे हैं और ये कोई काम जो है पैसे निकालने की मशीन जैसा इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब धारा 370 के बाद हमारा प्रशासन, हमारे सरकारें जो हैं वो सचेत हो गई हैं और इन लोगों पर सख्त एक्शन लेने के लिए वो तैयार हो रही हैं और सिर्फ इस कंपनी के की बात ही नहीं करेंगे कि यहाँ पर जो 4 लेन का काम लगा है, हमें लगता है हमारे डिविजनल कमिश्नर जो हैं वो बाकी भी जम्मू के अंदर जहाँ जहाँ काम लगा हुआ है वहाँ भी देखें कि ये लोग समयबद्ध सूची में कार्य कर भी रहे हैं या फिर यहाँ से पैसे निकलवा रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। प्रोटोकॉल नियम तो यहाँ ऐसा लगता है सभी उन नियमों को ताक पे रख देते हैं, धज्जियाँ उड़ा देते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है रूल रेगुलेशन नियम, ऐसा लगता है कभी स्कूल गए ही नहीं है। इन लोगों को थोड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत हो गई है और इन लोगों की वजह से कितनी लोगों को परेशानियाँ होती हैं, किसी की जान जा सकती है, इनको कोई मतलब नहीं, इनको बस मतलब है तो पैसे से। अब हमारे डिविजनल कमिश्नर जो है वो सख्ती बरतते हुए दिख रहे हैं और बाकी हर जगह जहाँ जहाँ ये काम लगे हुए हैं, सड़कों के हो या कोई भी काम, अगर वो समयबद्ध सूची में नहीं हो रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन आप लोग राय ज़रूर रखें कि क्या एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और इस तरह की परेशानियां कहां कहां आ रही हैं, क्योंकि गांव के दूर दराज एरिया से भी लोग तस्वीरें भेजते रहते हैं, वहाँ के रोडों की भी हालत खस्ता है, कई ऐसी परेशानियाँ हैं, तो ज़रूर राय रखें और देखते रहें दैनिक शहर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त, नमस्कार।